ठीक है तो इसका मतलब है ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा ठीक है अगर फर्स्ट यानी अगर ये आपके पास इवन फंक्शन नजर आ रहा है उसका ये रिफ्लेक्शन बन रहा है रिफ्लेक्शन है मिरर इमेज है इसका मतलब है ये एक इवन फंक्शन है लेकिन अगर लट से अगर आपके पास ये दिस इज माय वाई एक्सिस दिस इज माय एक्स एक्सिस ठीक है और अगर मेरे पास फंक्शन इस तरह से बने लट से ठीक है यू नो ये एक फंक्शन है ठीक है और इसका इस तरफ रिफ्लेक्शन बनने के बजाय इस तरफ रिफ्लेक्शन बनने के बजाय इसका रिफ्लेक्शन बने यानी इस तरफ ठीक है लाइक दिस वे दिस वे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये एक ऑड फंक्शन है यानी डबल रिफ्लेक्शन अगर डबल रिफ्लेक्शन होगी तो ऑड होगा अगर सिंगल रिफ्लेक्शन होगी तो ये वन होगा इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने मैथमेटिकली इनको आइडेंटिफाई करने के इवन इवन फंक्शन फंक्शन है 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 या है या भी भी नहीं है या भी नहीं है कोई भी सिचुएशन हो सकती है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे से अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करने जा रहा हूं तो मैं इस एक्स की जगह नेगेटिव ऑफ पुट करूंगा एफ इज इज इक्वल टू एफ जो है उसकी जगह नेगेटिव ऑफ एक्स अब जब एफ नेगेटिव ऑफ पुट करेंगे तो उसका मतलब यहां पे भी नेगेटिव एक्स आएगा नेगेटिव टू बाई थ्री प्लस सिक्स

So, ये किसी तरह से भी लिखा जा सकता है और यहां पे हमने इसको किस किस तरह से लिख लिया टू मल्टीप्लाई बाई वन ओवर थ्री एंड प्लस सिक्स प्लस सिक्स इसका मतलब है कि ये हमारे पास बन जाएगा दिस इज माइनस एक्स तो ये बन जाएगा एक्स है इसका मतलब है नेगेटिव पुट करने से स्क्वेयर की वजह से वो हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है बन जाएगा एक्स एंड पावर वन बाई थ्री प्लस सिक्स ठीक है और एक्स स्क् एक्स स्क्वेयर

एफ ऑफ नेगेटिव एक्स ये एफ ऑफ नेगेटिव एक्स था वो कितना आ रहा है एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स दैट मीनस कि ये क्या है ये एक ये एक इवन फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है ठीक है लेकिन अगर आपके पास लेट सपोज अगर मैं इसको इसको सॉल्व करूं ठीक है बल्कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा इसको आ, नीचे हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है यहाँ से मैं कॉपी करूंगा इसको और लट से अगर मैं इसको यहाँ पे

एफ ऑफ नेगेटिव एक्स नेगेटिव साइन तो वो एक इवन फंक्शन है है ठीक इसका मतलब हमने स्टार्ट में देखा था कि एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू एक्स यानी जो पैरा बोला है ठीक है दिस इज एन इवन फंक्शन और एफ ऑफ एक्स जो है वो क्यूब अगर हो एक्स क्यूब हो तो दिस इज एन ऑड फंक्शन